हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आइए, आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे, जो आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, फूड टेक, बायोटेक, डेयरी टेक, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, कम्युनिटी साइंस, नेचुरल फार्मिंग, सेरीकल्चर, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट और ATC जो UG अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की हैं, इन सभी विषय से आप अगर स्नातक कर रहे हैं तो अब आपको जैसे 4 वर्ष का होता है सभी सब्जेक्ट, वेटनरी 5 वर्ष का होता है, बट अब एक नया रूल आया है जो ICAR 6th Dean कमेटी लागू हुई है, 6th Dean कमेटी जो आपकी लागू हुई है, उसमें 1 वर्ष में आपको डिग्री सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, मतलब कहने का तात्पर्य है कि 1 साल पढ़ेंगे तो 1 साल के सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगी। पहले भी मिलती थी सर, ये कोई नई बात आप नहीं बता रहे हैं। जी नई बात बता रहा हूँ, बिल्कुल नई बात बता रहा हूँ, ये आज तक का इतिहास में अभी इसके पहले नहीं होता। जो नई शिक्षा नीति के तहत आई है 6th Dean कमेटी, उसके तहत आपको ये जितना सर्टिफिकेट आपका मिलेगा वो आपके काम में आएगा। पहले 1 साल आप पढ़ते थे, छोड़ देते थे तो कोई काम का नहीं रह जाता था, लेकिन अब 1 साल पढ़ेंगे, 1 साल का सर्टिफिकेट जो मिलेगा वो आपके काम का होगा। फिर आप वापस आके कभी 3-4 साल 5 साल बाद वापस आएंगे तो वहीं सेकेंड ईयर से आपको पढ़ना प्रारंभ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारा पुख्ता कह रहा है, मतलब एविडेंस प्रूफ कह रहा है। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करने में आपको कोई पैसा किसी भी प्रकार का नहीं लगता है। पहले हम आपको चाहे पहले देखिए, आपका एडमिशन यहाँ से हुआ फर्स्ट ईयर में UG प्रोग्राम में, अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में, आपने 10 सप्ताह यानी 70 दिन पढ़ा, 70 दिन की क्लास किया, 70 दिन की, तो आप इसका इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया। अब आपको मिल जाएगा UG सर्टिफिकेट इन एग्रीकल्चर, 4 वर्ष में भी डिग्री मिलती है। अब ये आपका 10 सप्ताह यानी 1 साल का जो फर्स्ट ईयर का कंप्लीट हो जाएगा, जब उसके उपरांत तब आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा UG सर्टिफिकेट इन एग्रीकल्चर, अगर आप BSc एग्रीकल्चर से कर रहे हैं तो, ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंड ईयर में, जैसे मान लीजिए हमने फर्स्ट ईयर का सिलेबस कंप्लीट कर दिया, पढ़ के सब समाप्त कर दिया, अब यहां से अगर आप छोड़ देते हैं, अगर यहां से आप लीव कर देते हैं, फिर आप अगर कभी आते हैं 2 साल 3 साल 4 साल बाद तो आप सेकेंड ईयर से प्रारंभ कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए फर्स्ट ईयर के बाद नहीं छोड़ा, सेकेंड ईयर के बाद छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकते हैं। UG प्रोग्राम सेकेंड ईयर में अगर आप पढ़ रहे हैं, सेकेंड ईयर में आप पढ़ लिए, उसके बाद 10 सप्ताह तक आपने पढ़ा, मतलब पूरा फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर सेकेंड ईयर का पढ़ा, उसके बाद अगर आपको मिलेगा तो क्या मिलेगा, UG डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर अंडर ग्रेजुएट का जो सर्टिफिकेट होगा, यहां पर सर्टिफिकेट था, यहां पर अब डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद डिप्लोमा लेने के बाद अगर लीव करना है तो लीव कर सकते हैं, फिर आप 2-3 साल बाद आएंगे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, कहां से, थर्ड ईयर से। अगर आप यहां से नहीं करते हैं चलिए छोड़ दीजिए, थर्ड ईयर में हम चलते हैं, पढ़ते हैं अच्छे तरीके से और एक सरकारी या बेहतर और जॉब की तपस्या में लीन रहेंगे, मिलेगी ही। थर्ड ईयर कंप्लीट करते हैं तो आपको यहां पर कुछ नहीं मिलेगा, मतलब थर्ड ईयर का सर्टिफिकेट ये दोनों मिल जाएगा, 2 साल कंप्लीट करने के बाद ये भी मिला ये भी मिल गया, हमारे पास 2 सर्टिफिकेट अवेलेबल हो गए। थर्ड ईयर कंप्लीट में तो यहां पर आपको कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमा नहीं मिलेगा यहां पर, लेकिन आपकी जो मिलेगी ये आपकी डिग्री मिलेगी, डिग्री यानी सेमेस्टर मार्कशीट आपको मिल जाएगी यहां पर, क्लियर। इसके बाद आपने फोर्थ ईयर रावे में बिता दिया, इंडस्ट्रियल अटैचमेंट करके बिता दिया, खत्म हो गया, ये आपका BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री, अब 4 वर्ष बाद आपको एक सम्मानजनक डिग्री मिल गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब एग्रीकल्चर के बाद आप आते हैं हॉर्टिकल्चर में, एडमिशन थ्रू कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो सर क्या अभी आपने जो पहले बताया तो ये क्या सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में लागू है? यस, ICAR की 6th Dean कमेटी जो है वो सबके लिए लागू हो चुकी है,
अगर कॉलेज वाले नहीं लागू किए हैं तो वो उनकी गलती है, आपकी गलती नहीं है। या फिर आप जब एडमिशन लीजिए तो इसको क्लियरिफाई करिए कि हाँ हम बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन ले रहे हैं, तो वहाँ पर 6 दिन कमेटी लागू किए हैं या नहीं किए हैं। ठीक है, ये तो सरकारी और प्राइवेट में 6 दिन कमेटी है और यही नियमावली फॉलो है। अब प्राइवेट कॉलेज में कहीं हार्टिकल्चर तो आई थिंक नहीं होता है, सिर्फ होता है तो एग्रीकल्चर ही। सीएससी में यूपी कैडेट में एडमिशन थ्रू कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपका आता है क्या क्या? आईसीआर से जितने भी एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटियां हैं सब में आपका सीयूटी के माध्यम से एग्जामिनेशन होता है। एडमिशन आईसीआर के थ्रू होता है, सीयूटी के थ्रू होता है, यूपी कैडेट के थ्रू होता है, बीसीसी के थ्रू होता है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी ऑल इंडिया, यूपी कैडेट यानी सिर्फ उत्तर प्रदेश, बीसीसी यानी सिर्फ बिहार, एमपी पैट यानी सिर्फ मध्य प्रदेश और सीजी पैट यानी छत्तीसगढ़। ठीक है, क्लियर हो गया। मतलब स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां प्लस डीम्ड यूनिवर्सिटियां प्लस सेंट्रल यूनिवर्सिटियां सभी जगह जहां पर हार्टिकल्चर है, अगर आप वहां पर एडमिशन लेते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद 10 सप्ताह के बाद इंटर्नशिप करके, मतलब फर्स्ट ईयर के बाद आपको मिलेगा यूजी सर्टिफिकेट इन हॉर्टिकल्चर। फिर आप छोड़ दीजिए, छोड़ने के बाद आइए सेकेंड ईयर में, 2-3 साल घूम के मौत करके फिर सेकेंड ईयर से आपका प्रारंभ हो जाएगा वहीं से सेशन। हाँ, एक प्रश्न आपका थोड़ा सा आई थिंक डाउट होगा कि सर अगर मान लीजिए हम सीएसएनओस्टी में है एनडीयूटी ले सकते हैं या एनडीयूटी में है सीएसएम जा सकते हैं, तो इस पर अभी कोई लिखित पुख्ता नहीं मिला है, लिखित जानकारी अभी तक नहीं मिली है। लेकिन हाँ ये मिली है कि जिस यूनिवर्सिटी में है आप उसी यूनिवर्सिटी में रेगुलर कर सकते हैं, तो यूनिवर्सिटी नहीं बदल सकते आप, सिर्फ 2-3 साल के बाद वापस वहीं में आ सकते हैं, ये अभी नई जानकारी मिली है। जैसे अपडेट आएगी अगर ये तो हम आपको तक पहुँचा देंगे। ठीक है, 10 वीक इंटर्नशिप करेंगे आपको तो यूजी डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर मिलेगा। फिर थर्ड ईयर में पहुंचेंगे तो आपको डिग्री मिलेगी, फोर्थ ईयर में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर की डिग्री। ठीक है भैया, समझ गए। फिर जस्ट लाइक फॉरेस्टी, 10 वीक इंटर्नशिप फॉरेस्टी, फर्स्ट ईयर के बाद यूजी सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर के बाद आपका यूजी डिप्लोमा मिल जाएगा, थर्ड ईयर में डिग्री मिल जाएगी, फोर्थ ईयर में तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सेम जस्ट लाइक बीएससी ऑनर्स फिशरी साइंस, बैचलर और फिशरी साइंस, फर्स्ट ईयर के बाद यूजी सर्टिफिकेट इन फिशरी साइंस और डिप्लोमा फिर मिल जाएगा आपका सेकेंड ईयर के बाद। सेम प्रोसेस है बायोटेक्नोलॉजी में, सेम प्रोसेस है आपका फूड टेक में, सेम प्रोसेस है आपका डेयरी टेक में, सेम प्रोसेस है आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। यहाँ पर एक नया उभरता हुआ कोर्स आया है बीएससी हॉनर्स एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, यही आपको यूपी कैडेट में मिलता है ग्रेजुएशन करने के उपरांत, यानी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करने के उपरांत एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का सिर्फ एक स्पेशल कोर्स करने के लिए। बट अब यहाँ पर देखिए एडमिशन थ्रू कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी सीयूटी, यूपी कैडेट, ऐसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू फर्स्ट ईयर के बाद आप इंटर्नशिप करेंगे 10 वीक का, फर्स्ट ईयर कंप्लीट करेंगे तो यूजी सर्टिफिकेट इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, सेकेंड ईयर कंप्लीट करेंगे तो ये आपका। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, ये 10+2 पे है, 10+2 पे है अगर आपका, तो ये आपका कितने साल का है, 4 साल का। बट अगर आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करने के उपरांत जब जाते हैं तो सिर्फ ये कोर्स आपका 2 साल का है मात्र। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया, ये नया कोर्स आपको देखने के लिए मिला है। फिर आप एडमिशन आते हैं किसमें, नेचुरल फार्मिंग, ये भी आपका नया कोर्स आपको आई थिंक सुनने को मिला होगा, सेम प्रोसेस वही, यूजी सर्टिफिकेट मिलेगा, यूजी डिप्लोमा मिलेगा इसमें भी। ठीक है, अब यहां पर आइए एग्जिट ऑप्शन, इसको पढ़िए, एग्जिट ऑप्शंस छोड़ने का या लीव का ऑप्शन, यूजी सर्टिफिकेट इन एग्रीकल्चर एग्जिट आफ्टर फर्स्ट ईयर एंड कंप्लीशन ऑफ
10 वीक्स इंटर्नशिप थी। क्या कह रहा है? एग्जिट आफ्टर फर्स्ट ईयर, प्रथम वर्ष के उपरांत आप इसको एग्जिट कर सकते। कंप्लीशन का मतलब 10 सप्ताह की इंटर्नशिप पूर्ण करने के उपरांत अगर फर्स्ट ईयर में आप छोड़ते हैं तो आपको यूजी सर्टिफिकेट इन एग्रीकल्चर में मिलेगा। ठीक है, समझ गए? एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, फूड टेक, बायोटेक, डेयरी टेक, सब काम ने अभी आपको दिखा दिया। फिर सेकेंड पॉइंट है यूजी डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सिट आफ्टर सेकेंड ईयर एंड कंप्लीशन ऑफ 10 वीक इंटर्नशिप। ठीक है, समझे? सेकेंड ईयर में अगर आप छोड़ते हैं 10 सप्ताह के इंटर्नशिप कंप्लीट करने के पूर्ण करने के उपरांत, देन आपको क्या मिलेगा? यूजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन एग्रीकल्चर। ठीक है, थर्ड ईयर में अगर आप जाते हैं, थर्ड पॉइंट देखिएगा, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर डिग्री रिक्वायरमेंट्स, मतलब 4 वर्ष की जो रिक्वायरमेंट होती है कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, अगर उसके बाद अगर सक्सेसफुल सफल पूर्वक आप पूर्ण करते हैं इसको 4 वर्ष, देन आपको मिलेगी डिग्री बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, फूड टेक, बायोटेक, डेयरी टेक, सबकी मिलेगी। ठीक है, एलिजिबिलिटी फॉर एंट्री इनटू फर्स्ट ईयर यूजी डिप्लोमा प्रोग्राम 10+2 साइंस विथ बायोलॉजी एज ऑन सब्जेक्ट, पीसीबी, पीसीएम, पीएजी और अदर जो भी जिस भी ब्रांच में आप एलाइड सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं तो आप अपना, जैसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में पीसीएम वाले जा सकते, पीसीबी वाले नहीं जा सकते, वैसे उनकी एलिजिबिलिटी के अनुसार आप जाएंगे उसमें। ठीक है, प्रोविजन फॉर मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री इनटू डिप्लोमा प्रोग्राम इन टू द यूजी प्रोग्राम इन एग्रीकल्चर हैज बीन मेड इन द लाइट ऑफ नेप 2020। स्टूडेंट में एक्सिट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर रिक्वायरमेंट्स फॉलो 10 वीक इंटर्नशिप आफ्टर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर रेस्पेक्टिवली टू गेट यूजी सर्टिफिकेट इन एग्रीकल्चर एंड डिप्लोमा सर्टिफिकेट। वही बात कह रहा है कि अगर यूजी में प्रोविजनली ऑफिशियली अगर मल्टीपल एग्जिट कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट ईयर में एग्जिट कर सकते हैं या सेकेंड ईयर में एग्जिट करते हैं, तो वही कह रहा है कि अगर जो रिक्वायरमेंट है हमारी कि आपको 10 सप्ताह पूर्ण करना है इंटर्नशिप, तो करना है फर्स्ट सप्ताह, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, मतलब 10 सप्ताह इंटर्नशिप अगर कंप्लीट करते हैं तो रिस्पेक्टिवली आपको मिलेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, द यूनिवर्सिटीज में कंसीडर अलाउिंग लेटरल एंट्री, लेटरल एंट्री, ये चीज पॉइंट थोड़ा नोट करिए, फॉर द कैंडिडेट्स हैविंग डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एज सच कोर्स आर अवेलेबल में स्टेट एंड लेटरल एंट्री प्रैक्टिस्ड इन सम यूनिवर्सिटीज। अब क्या कह रहा है कि देखिए, स्टेट यही कह रहा है लेटरल एंट्री कि लेटरल एंट्री का मतलब है कि आप जैसे मान लीजिए फर्स्ट ईयर में लेके छोड़ दिया एडमिशन, फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके छोड़ दिया आपने, तो सेकेंड ईयर में वही कह रहा है लेटरल एंट्री प्रैक्टिस का कार्यरत इसमें जारी है, चलेगा, बाद में आपको 2-3 साल बाद, अभी आपको आगे इसका, इसके बारे में लेटरल एंट्री के बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे कैसे कैसे व्याख्यान, नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं बनेगा, फिर मजा नहीं आएगी। इसके बाद देखिए, इन सच केस द कैंडिडेट हैविंग डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर विथ मिनिमम 3 ईयर्स कोर्स प्रोग्राम आफ्टर 10th और 12th इक्विवेलेंट। क्या कह रहा है? डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर के लिए मिनिमम 3 ईयर कोर्स डिप्लोमा प्रोग्राम आफ्टर 10th आर इक्विवेलेंट। मे बी अलाउड एडमिशन टू सेकेंड ईयर फॉर द यूजी प्रोग्राम सर प्रोविजन नॉन नोटिफाइड रिस्पेक्टिव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और टाइम टू टाइम। कहने का तात्पर्य इसका कि देखिए, मिनिमम आपको 3 वर्ष कोर्स प्रोग्राम 10 आर इक्वालेंट, मतलब हाई स्कूल के बाद कम से कम 3 साल के अंदर में आपको एडमिशन इसमें लेना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद जो भी लेटरल एंट्री का प्रोसेस है इस पर हम वीडियो एक अलग रूप से देंगे,
तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।